बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिज़िक्स पेपर सी का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका जो पहला आर्टिकल है वो है जी के एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब इसके लिए डायग्राम जो है वो सामने रखें। डायग्राम में एक चार्ज है क्यू पॉजिटिव, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिया गया है ई टूवर्ड्स लेफ्ट राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब हम इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्राम पॉइंट ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अब जाहिर सी बात है ये चार्ज इट्सेल्फ नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ये खुद ब खुद नहीं आएगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगी। तो अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है एफ़, और ड्यू टू दिस फोर्स ये चार्ज डिस्टेंस कवर करता है डी एल। तो अब ए से बी तक जो वर्क किया गया इस चार्ज पर, ये लिखा हुआ है गिवन इट एन इनफिनिटेसिमल। इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है इंतहाई स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, तो अब ये काम करना पड़ेगा फ्राम ए टू बी ऑन दिस चार्ज, तो डैट इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी एल, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क जो है वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इतना हमें काम करना पड़ेगा इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, अगर हम फ्राम ए टू बी लाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब हम आते हैं अगले पेज पे। जी स्टूडेंट्स, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है क्यू नॉट ए, और डायरेक्टेड आउटवर्ड। लेकिन जब हम इस चार्ज को लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो जो फोर्स लगाना पड़ेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के अपोजिट होगी, माइनस क्यू नॉट ए। तो अब इक्वेशन वन में आप एफ़ को एफ़ की जगह लिखेंगे माइनस क्यू नॉट ई, तो वर्क डन किया जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल। क्यू नॉट जो है वो इंटीग्रल से पहले लें क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन टू है माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल, ये वो वर्क शो कर रही है जो एक्सटर्नल फोर्स जो हम इस चार्ज पर लगा रहे हैं फ्राम ए टू बी। अच्छा, अब अगले स्टेप में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बिटवीन अगर टोटल एल लिया जाए, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। यानी इसमें आपने जो थीटा है वो 180 लेना है, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट है। तो ये वर्क जो है वो हो जाएगा क्यू नॉट ई इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी डी एल इज इक्वल टू क्यू नॉट ई एल। तो ये वो काम है जो हमें करना पड़ेगा अगर हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लाना चाहते हैं। और ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस वर्क, जब ये चार्ज फ्राम ए टू बी आएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आएगी, और इसी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है कि द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट इसकी होती है जूल पर कूलम विच इज़ वोल्ट। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन टू और थ्री है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, यानी ये जो वर्क डन है ये क्योंकि किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन ए एंड बी। तो अब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं वी बी माइनस वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्राम ए टू बी ओवर क्यू नॉट। तो ये वर्क डन की वैल्यू लिखेंगे, क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डैट इज़ वी बी माइनस वी ए ओवर एल।
अब ये जो इक्वेशन 5 है इसकी मज़ीद वजाहत के लिए अगले पेज। ये स्टूडेंट्स, तो अब ये जो इक्वेशन 5 है ये एक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन, और उसमें एक क्वांटिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी। तो यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनाई गई है वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन भी है, और वो डेफिनेशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दरअसल काम होता है, वर्क होता है जो करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए। यानी एक डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी है द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क होता है टू मूव इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या जिसे टेस्ट चार्ज भी कहा जा सकता है दो पॉइंट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। और क्योंकि वर्क करने की वजह से चार्ज ए से बी पे जाएगा तो ए का पोटेंशियल जो है वो लोअर होगा, बी का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी में आपने एक और क्वांटिटी को डिफाइन करना है, और वो क्वांटिटी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस दो जगहों के दरमियान होता है जबकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो एक पॉइंट का होता है। तो अब पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए इन दोनों में से, यानी जो हमने पॉइंट्स लिए थे इनमें से एक पॉइंट को लिया जाएगा इन्फिनिटी पर, और जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के आउट, यानी वो पॉइंट जहाँ से इस चार्ज को लाया जा रहा है डैट इज़ आउटसाइड द फील्ड। तो अगर वो पॉइंट ए हम ले लें तो पॉइंट ए जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के आउट हो गया तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो अब आपने वी ए की जगह ज़ीरो लिख देना है, तो इक्वेशन 4 जो है डैट बिकम्स दिस, वी बी एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू बी, यानी पॉइंट ए अब इन्फिनिटी पे चला गया, और अगर ये डिस्टेंस जो है वो आर ले लिया जाए बी का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। माइनस साइन किस बात की इंडिकेशन है कि माइनस साइन का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा जब आप फोर्स के अपोजिट जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के अपोजिट जब आप जब चार्ज मूव करेगा तो पोटेंशियल जो है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये इंक्रीज करेगा।